और ये भी बादाम का पेड़ है, ये दूसरी वैरायटी का है, ये भी अच्छी क्वालिटी का बादाम है। लेकिन मैं आपको बादामों का वैरायटी इतिहास बताऊंगा तो कोई लोग देखेंगे नहीं वीडियो, तो मैं शॉर्ट कट बताऊँ। देखो ये बादाम का पेड़ है, ये हमारा सेब का बगीचा, और हमने प्रूनिंग थिनिंग कर दी है, और इसमें हमने जेरोमाइन, गेल गाला, रैंडम गाला, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और मैंगनटोस सुपर वैरायटी की लगा रखे हैं सेब। और ये आड़ू का पेड़ है, ये आपका जो आड़ू है ये, हाँ न्यू, ये अगेती आड़ू है, प्रभात आड़ू है। और इसके साथ साथ प्लम भी लगा रखे हैं, प्लम मैंने लगा रखे हैं, जापानी प्लम है, तो जापानी प्लम है। चल ये देखो नीचे बगीचा हमारा, खास मैं भूल रहा हूं, आज कैसे मैं ये दा हेल गए, और का जो घर मसूर को सो यो तो जे शो, ये मसूर से शो महंगा है, शो अरे शो महंगा शोगा हमारा उठ के शो की क्या नुकसान नहीं पजा, ये खुरा खा दो, जो खुरा क्या खा लो उलो भल हल वो आ ये मल्लिका आम है, मल्लिका ये आम्रपाली, ये आम्रपाली आम का पेड़ है जो मैं पूसा रोड नई दिल्ली से लाया हूँ, और ये छोटा बोनी साइज है और अच्छी क्वालिटी का आम देता है। ये प्यूली के फूल हैं, ये गाजर घास है, ये देखो गाजर घास है। अब एक गाजर घास पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, कहाँ से आई, इसका बॉटनिकल नाम क्या है और इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसे ब्लॉग बनेगा। ये है भीमूल, ये भीमूल का पेड़ है, वो हमारी बागवानी, ये आम है, ड्रम है, कोई ड्रम ला दे फुट बैठूं, अच्छा बैठूं, खाद कमी से दे खाद का, तो वो खाद वो तब भरती है, लेवड़ उठी मुझे वो उस दोजा। ये बादाम का पेड़ है जो कागजी बादाम है, तो बादाम का पेड़ आ गया, हमें अगर प्लान को रुकना है तो बादाम के प्लांटेशन करें, क्योंकि जो हमारी उत्तराखंड की शीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेट क्लाइमेट, वो फलों के लिए उपयोगी है, लेकिन लोगों को प्रॉपर ज्ञान नहीं है। तो मैंने ये 2 साल पहले लगाया बादाम का पेड़, देखो बादाम के पेड़ में फूल आ गए हैं, लेकिन हमें क्या करने पड़ेगी, उचित केयर करके, तभी प्लांटेशन करके उचित माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद डाल के पौधों को बढ़ाएंगे। और ये भी बादाम का पेड़ है, ये दूसरी वैरायटी का है, ये भी अच्छी क्वालिटी का बादाम है। लेकिन मैं आपको बादामों का वैरायटी इतिहास बताऊंगा तो कोई लोग देखेंगे नहीं वीडियो, तो मैं शॉर्ट कट बताऊँ। देखो ये बादाम का पेड़ है, इसमें इतनी फ्लावरिंग आ गई है, हमें नहीं नहीं सर सर ये बादाम का पेड़ है, ये बादाम, और ये है आम्रपाली आम, देखो ये आम्रपाली,
ये हमारा संतरा का पेड़ है और इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी हमें। और ये भी संतरा देखो, देखो ये गाजर घास है, इसने उत्तराखंड के खेत खलियान और घास के बुग्यालों पर भी आक्रमण कर दिया। ये गाजर घास जहाँ भी उगती है वो नुकसानदायक है। इस गाजर घास की उत्पत्ति कहाँ से आई, क्या नुकसान है, क्या नियंत्रण किया जाए, इस पर मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें गाजर घास और चीड़ और बुरास का ब्लॉग होगा, उसको देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गाजर घास का प्रकोप इसे जमीन बंजर कर दी।